हेलो, हेलो, चलो देखिए करते हैं आज। पीवलॉक एलिमेंट्स करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने कर लिया था कार्बन, ग्रेफाइट्स हो गया, सीओ हो गया, सीओटू हो गया। ठीक है, हाँ वही शुरू करें। चलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाँ जी, चलो देखो, कुछ क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछते रहेंगे ताकि आपको चीज़ें और मालूम पड़ती रहें कि किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, बेट ओवर हो गया। हाँ जी आदित्य, नमस्ते। केमिस्ट्री ऑफ, हाँ सिलिकॉन, केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन चलेगी, बिल्कुल सही कह रहे हो आदित्य। ये जो है कार्बन की ख़त्म हो गई थी, एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा बताओ, सीओ कर रहे थे हम लोग, है ना? सीओ के एस्टीमेशन, सीओ किस आयोडीन के कंपाउंड के एस्टीमेशन के लिए काम में लाया जाता है? चलो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कौन बच्चा बताएगा सीओ किसके एस्टीमेशन में काम में लाया जाता है? 1, 2, 3 एंड 4। सीओ किसका एस्टीमेशन करता है? हाँ भाई बताओ आदित्य। चलो अभी तुम ही हो, तुमसे पूछ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। बता रहे हो किसके एस्टिमेशन के लिए काम में लाया जाता है इसको? हाँ भाई आदित्य बताओ, सीओ को किसके एस्टीमेशन में यूज किया जाता है इनमें से? 2। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने पढ़ा था ये वाला सेकंड। अरे नहीं भाई आदित्य, भूल गए हो, इसके एस्टीमेशन में। ठीक है, ध्यान रखना, I2O5। लास्ट क्लास में जब किया होगा, है ना, एक बार तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो ही जाता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, I2O5 के एस्टीमेशन में, CO के एस्टीमेशन में I2O5 यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। सबसे पहले आपको सिखाते हैं कार्बाइड। एक देखा होगा आपने, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में होता है हमारे पास हाइड्राइड, और कार्बन वाले मतलब ग्रुप 13-14 में होता है कार्बाइड। अगर हम लोग कार्बाइड की बात करें तो ध्यान रखिएगा, 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के कौन से होते हैं हमारे पास? एक होता है आयोनिक, सॉल्ट लाइक, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा होता है? कोवलेंट कार्बाइड। और थर्ड वाला कौन सा होता है हमारे पास? इंटरस्टीशियल। ठीक है, 3 होते हैं। नंबर 1 कौन सा है हमारे पास? आयोनिक। नंबर 2 कौन सा है? कोवलेंट। नंबर 3 कौन सा है? इंटरस्टीशियल। अब जैसे मैं किसी बच्चे से पूछूं, बताओ आयोनिक कौन सा होगा, तो आप क्या कहेंगे? जब कार्बन
किसी के साथ मिल करके, है ना, एलिमेंट के साथ मिल करके और कंपाउंड बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइड। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आयोनिक कार्बाइड की बात करें तो आयोनिक कार्बाइड क्या होता है, ये एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप एंड पी ब्लॉक के 13 ग्रुप, ठीक है। तो वो क्या बनाता है हमारे पास, वो बनाता है आयोनिक कार्बाइड। कोवलेंट में ध्यान रखिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ जब कार्बन मिलता है तो वहाँ पर कौन से बनते हैं, कोवलेंट। इसमें डी एंड एफ ब्लॉक के जो कार्बन के साथ कंपाउंड बनते हैं उनको हम कार्बाइड बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब जैसे मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ इसका कोई एग्जांपल बताओ, तो देखो ध्यान दो यहाँ पे, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम कार्बाइड है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, है ना। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड किस में कंसीडर किया जा रहा है, एल्यूमिनियम कार्बाइड कंसीडर किया जा रहा है आयोनिक कंपाउंड में, आयोनिक कार्बाइड में। तो इसके हाइड्रोलिसिस पर क्या बनने वाला है हमारे पास, AlOH का होल थ्राइस प्लस मीथेन, ठीक है। एक तो बनेगा हमारे पास मीथेन, मीथेन यूनिट देता है ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मीथेनोइड यूनिट। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम कार्बाइड है, और तो और बेरिलियम कार्बाइड है, बेरिलियम कार्बाइड का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उस केस में भी हमें क्या मिलता है, मीथेन, क्योंकि ये भी मीथेनोइड यूनिट होता है। अब देखो ये एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप का है, ये पी ब्लॉक का है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, बेसिकली आयोनिक। और देखो जैसे मान लो इसी को थोड़ा ऊपर करते हैं, इसी के एग्जांपल देते हैं, मान लो कैल्शियम कार्बाइड है, ठीक है, बेरियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड बेरियम कार्बाइड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे के पास क्या बनता है, C2H2, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये मेटल हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, ठीक है, जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस वगैरह वगैरह। दोबारा से सुनिएगा, कार्बाइड हमारे पास 3 टाइप की होती हैं, आयोनिक, कोवलेंट, इंटरस्टीशियल। आयोनिक का मतलब होता है S ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड P ब्लॉक का 13 ग्रुप, जैसे कि एल्यूमिनियम कार्बाइड। अब आपको ये पता होना चाहिए इससे क्या बना, मीथेन, इसीलिए इसको मीथेनोइड यूनिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनसे एसिटिलीन बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एसिटिनलाइड यूनिट। अब मान लीजिए हमने मैग्नीशियम कार्बाइड ले रखा है, मैग्नीशियम कार्बाइड ले रखा है, तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, प्रोपाइन, दिस इज द प्रोपाइन। तो ये जो एग्जांपल है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ आयोनिक और सॉल्ट लाइक कार्बाइड। हाँ जी भुजबल, देखो अब कोवलेंट की बात करते हैं हम लोग, कोवलेंट कार्बाइड क्या होते हैं, जिसमें पी ब्लॉक मतलब 13 को छोड़ करके, दोबारा से समझिएगा, हम लोग कार्बाइड कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बाइड, देयर आर 3 टाइप्स, नंबर 1 इज आयोनिक, नंबर 2 कोवलेंट, नंबर 3 इंटरस्टीशियल। अगर मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं आयोनिक की, तो अभी हमने समझ लिए हैं कि एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड एंड पी ब्लॉक का 13 ग्रुप, उसमें भी अपनी अपनी यूनिट होती है, इट डिपेंड ऑन इट्स कंपाउंड कि कंपाउंड किस तरीके से बन रहा है। मान लीजिए यहाँ मीथेन बन रहा है, अब किसी बच्चे को याद नहीं रहा तो क्या बनाएगा, तो वो डिपेंड करता है, थोड़ा समझते रहो आप लोग, मीथेन बनता है, यहाँ मीथेन बनता है, इसलिए इसको मीथेनोइड यूनिट, एसिटिलनाइड यूनिट, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनाइड यूनिट। अब बात कर लेते हैं कोवलेंट की, तो कोवलेंट कार्बाइड कौन से होते हैं, जैसे कि बोरोन। अब एक आध बच्चे को लग सकता है कि सर बोरोन भी तो 13 का है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और SiC ये किस में आते हैं, कोवलेंट कार्बाइड, काफ़ी एब्रेसिव होते हैं, हार्ड होते हैं, और ये तो डायमंड के बाद हार्डेस्ट सब्सटेंस है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। अब इंटरस्टीशियल कंपाउंड की अगर बात करें, इंटरस्टीशियल कार्बाइड की अगर बात करें, तो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो जिनमें कार्बन रहता है,
जैसे मान लीजिए टाइटेनियम कार्बाइड थोड़ी अमाउंट में हमने बना दिया, हॉफनियम कार्बाइड, तो इस तरीके से उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल कार्बाइड। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्बाइड। चलो नेक्स्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन। एक बार देख लो, जिस बच्चे ने देखा नहीं हो मतलब कहीं रफ पेज पर बैठा करो लेकर के, जिससे क्या है थोड़ा थोड़ा नोट करते रहा करो, ठीक है। हाँ जी राजकुमार आ गए हो, तुम्हारा ही इंतजार था, बस तुम ही नहीं आ रहे हो। चलो यहाँ पे ये समझ में आ गया, अब आगे करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन बात कर रहे थे कि किस तरीके से होती है, कैसे होती है केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन। अब देखो अगर हम लोग सिलिकॉन की केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सिलिकॉन के बारे में पहले आपको ये मालूम होना चाहिए 95% अर्थ क्रस्ट जो होता है वो सिलिका का ही बना होता है, या हम इसको सिलिकेट्स भी बोलते हैं, या फिर कॉमनली इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो 95% का मतलब तो बहुत ज़्यादा हो गया अर्थ क्रस्ट में। तो अगर इसके अबंडेंस की बात की जाए तो ध्यान रखना इस चीज़ का आप लोग, ये होता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऑक्सीजन होता है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ इज ऑक्सीजन, वाइल मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ कौन सा होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें सिलिकॉन की, क्योंकि यहाँ पर पूरी केमिस्ट्री जो हम लोग देखना चाह रहे हैं वो सिलिकॉन के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो सिलिकॉन के बारे में जैसा मैंने अभी बताया आपको कि 95% अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन ही पाई जाती है, जिसको हम सिलिकेट्स भी बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इसका दिस इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ होता है। अब किस तरीके से बनता है, जैसे मान लीजिए इसकी दो फॉर्म होती हैं, है ना, क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म होती हैं, थोड़ा थोड़ा समझेंगे इसको। दो फॉर्म होती हैं, जिसको एक को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, एक होती है एमोरफस, एमोरफस, ठीक है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी होती है, तो इसकी तीन क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी होती है बताइए, क्वार्ट्ज, क्रिस्टलोबलाइट, ट्राइडेमाइट, ठीक है। दीज आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन क्या होता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग क्रिस्टलाइन बोलते हैं। एमरफस क्या होता है, जिसमें डिसऑर्डरली अरेंजमेंट रहता है, या जो मान लीजिए प्रॉपर वे में नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमोरफस। तो एमोरफस कौन सी वाली फॉर्म होती है, कैसल घुर, ठीक है, कैसल घुर हो गया, सिलिका जेल हो गया, वो कौन सी वाली फॉर्म में आएगी हमारे पास, ये आईआईटी में आ चुका ऑलरेडी क्वेश्चन कि बताइए सिलिकॉन की एमोरफस फॉर्म कौन सी होती है। तो ये एमोरफस फॉर्म होती है, सिलिका जेल भी एमोरफस फॉर्म होता है। अब अगर हम लोग बात करें यहां पे दीज आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड दिस इज द एमोरफस फॉर्म। अब यहां पे बात आती है कि सिलिका जेल कहां पे यूज किया जाता है ना, सिलिका जेल भी क्या होता है, एमोरफस फॉर्म होती है इसकी। अब अगर हम बात करें कि भाई ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो जनरली जो क्वार्ट्ज होती है, इनमें से जो क्वार्ट्ज होती है, क्वार्ट्ज क्या है, एक्सटेंसिवली कोवलेंट बॉन्डेड होती है, जो कि पीजियो इलेक्ट्रिक, पाइजो बोलते हो कि पीजियो बोलते हो, पीजियो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बनाने के काम में आती है। ठीक है, अब पीजियो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पीजियो इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो पीजियो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं कि हाई प्रेशर अप्लाई करने पर, ठीक है,
किसी भी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस में करंट अप्लाई कर देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीजियो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जैसे क्लॉक हो गए, रेडियो, टेलीविज़न वगैरह वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो ये क्वार्ट्स फॉर्म होती है जो काफ़ी यूज़ की जाती है एज ए पीजियो इलेक्ट्रिक। जैसे मान लीजिए वॉचेस हैं, वॉचेस में जनरली क्या होता है, क्वार्ट्स ही होता है, आपने देखा होगा कुछ में तो लिखा होता है कि क्वार्ट्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे कंपाउंड बनाने के लिए काम में लाया जा रहा है, पीजियो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, पीजियो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, यानी कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस विच कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग मोर एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि भाई ये एमरफस जो फॉर्म है वो कहाँ पर यूज़ की जाती होंगी, ठीक है। जैसे कैसल घुर है, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट, प्लांट का फिल्ट्रेशन इसके थ्रू किया जा सकता है। दूसरा क्रोमेटोग्राफिक मेथड होती हैं, जैसे आपने देखा था वहाँ पे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में और जीओसी में भी गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कई सारी क्रोमेटोग्राफी होती हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है क्रोमेटोग्राफी मेथड्स में एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इम्प्योरिटी सब्सटेंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, उसकी एमरफस फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब थोड़ा सा देखेंगे इसकी प्रिपरेशन मेथड। अब देखो, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसकी प्रिपरेशन मेथड कौन कौन सी हो सकती है, एक चीज़ है यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जब मैग्नीशियम से ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, दिस वन। अब मान लीजिए अगर इसको कोक से ट्रीट कर दें, ठीक है, तो क्या बनेगा, अभी मैंने इसमें कुछ नया नहीं डाला है, कौन बच्चा बताएगा, अभी ये ऐसे करके रिएक्शन आ जाए तो इसका क्या बनेगा, अब मुझे बनाना है सिलिकॉन तो क्या बनना चाहिए, हाँ जी, कौन बच्चा बताएगा। देखो यहाँ पे पढ़ने में ध्यान दो, फालतू की चीज़ें तो होती रहेंगी क्योंकि वो तो अलग है, अभी वो टाइम नहीं है। तो यहाँ ध्यान दो सारे बच्चे कि इसमें अगर मैंने, मान लीजिए कोई बच्चा बता रहा है इसका कंपाउंड क्या बनेगा, चलो नहीं बता रहे हो, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन डस्ट डालनी पड़ती है तब जा करके हमारे पास सिलिकॉन बनेगा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर आयरन का यूज़ नहीं किया तो ये बनाना चाह रहे थे हम लोग सिलिकॉन, बन जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का मतलब जान रहे हो आप लोग, SiC, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बनाना है क्या, सिलिकॉन। तो इसमें जब हीट कर रहे हैं तो उसके साथ आयरन इम्प्योरिटीज़ यूज़ करनी है जिससे कि वो सिलिकॉन कार्बाइड ना बने। तो दिस इज़ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ सिलिकॉन। अब देखिए सिलिकॉन जो बना है, सिलिकॉन में भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इन इम्प्योरिटीज़ को 99.9% तक एक ZRM मेथड होती है जिसको बोलते हैं हम लोग जोन रिफाइनिंग मेथड। इस जोन रिफाइनिंग मेथड से हाईली प्योरीफाई किया जाता है, मतलब 99.9% तक प्योरीफाई हो जाता है, समझ लो ना। यहाँ पर अभी जो सिलिकॉन बना है वो इम्प्योर है, इस मेथड से, जोन रिफाइनिंग मेथड जो कि मेटलर्जी में आती है आप लोग ऑलरेडी जानते हो, उस मेथड से इसको 99.9% तक प्योरीफाई कर लिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इतना प्योर क्यों करते हैं भाई, अल्ट्रा प्योर क्यों करना पड़ता है, रीजन बता सकते हो आप लोग इसको अल्ट्रा प्योर क्यों यूज़ करना पड़ता है, इसको हाईली प्योरीफाई क्यों करना पड़ता है। रीज़न है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग बनाना चाह रहे हैं, यानी सेमीकंडक्टर, आपको मालूम बेस्ट सेमीकंडक्टर क्या होता है, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन इज़ द बेस्ट सेमीकंडक्टर। अब इससे डिवाइस बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितनी भी हैं, जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव है, ठीक है, फिल्म है, टीवी फिल्म है, और एवरीथिंग। अब मान लीजिए आप सॉन्ग ही सुन रहे हैं तो उसमें क्या होता है, मेमोरी कार्ड होता है। मेमोरी कार्ड किसका बना होता है, चिप जिसको बोलते हो आप लोग, मेमोरी कार्ड बोलते हो, तो मेमोरी कार्ड में भी क्या, सिलिकॉन ही होता है, ठीक है। इसकी वजह से, अब वो अलग अलग तरीके हैं, जैसे मान लो अगर आप कहीं यहाँ से ख़रीद रहे हो तो कितने रुपए की पेन ड्राइव है,
300 की। मान लीजिए पहले स्टार्टिंग में अभी आप नेहरू प्लेस चले गए, तो नेहरू प्लेस में आपसे बोलेगा कि भैया इतने ले लो, मैं इतने में दे दूंगा, तो वहाँ 200 रुपये की पेन ड्राइव दे देगा। अगर कहीं से दूसरी जगह से खरीद के लाओगे तो वो 800 रुपये की देगा। रीज़न क्या है वो समझ जाओ, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो हैं कई टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन की वो आपको चिप दे रहा है, ठीक है ना, उसमें भी इम्प्योरिटीज़ एडिंग होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, उस तरीके से। तो देखो ये थी हमारे पास सिलिकॉन, अभी थोड़ा सिलिकॉन कार्बाइड देखते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिकॉन की एक चीज़ का जो विशेष आपको ध्यान रखना है वो आयरन को लेकर के ध्यान रखना है। एक मान लीजिए आपके पास, हमारे पास ये है और एक हमारे पास फर्दर ये है, तो मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ ऊपर वाले में क्या बनेगा और नीचे वाले में क्या बनेगा, ऊपर वाले में प्रोडक्ट क्या होगा और नीचे वाले में क्या होगा, बताओ ऊपर वाले में क्या बनेगा तनिष्का, हाँ जी कौन बच्चा बता रहा है, तनिष्का बताओ ऊपर वाले में क्या बन रहा है, अगर हम आयरन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है और विदाउट आयरन कराते हैं तो क्या बनता है। हाँ तो फर्स्ट में क्या बनेगा ऐसा ही और सेकंड में क्या बनेगा ऐसा ही सी। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आयरन हमने डाल रखा है, आयरन क्या करता है, इट प्रोटेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड का फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। तो पहले में तो यही बन गया अपने पास, ठीक है, जबकि सेकंड में क्या बनने वाला है हमारे पास, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है इसको क्या बोलते हैं, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये, इन दोनों का नाम कौन बच्चा बताएगा, वन एंड टू, फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का नाम कौन बच्चा बताएगा, चलो फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा और सेकंड वाले का नाम क्या होगा, इसमें आपको नाम बताना है, पहले वाले का नाम क्या है कोरंडम और दूसरे वाले का नाम है कार्बोरंडम, बिल्कुल सही है। देखो इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे मान लो देखिए इसमें यहां पर कंफ्यूजन चलता है कई बार बच्चों के लिए, क्या चलता है बच्चों के साथ कंफ्यूजन कि एक का नाम है कोरंडम एक का नाम है कार्बोरंडम, क्या बोले पता नहीं पड़ता है क्योंकि कई बार थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हो जाता है। तो वो कंफ्यूजन नहीं रखना है, कंफ्यूजन क्यों नहीं रखना है, कार्बोरंडम मतलब जिसमें कार्बन है उसको बोल रहे हैं हम लोग कार्बोरंडम, कार्बोरंडम, ठीक है, और जिसमें कार्बोरंडम यानी कार्बन नहीं है उसको क्या बोलेंगे कोरंडम, दिस इज द कोरंडम, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एल्यूमिनियम का ओर है कोरंडम, और जबकि सिलिकॉन कार्बाइड जो है उसको बोलते हैं कार्बोरंडम, और जो कार्बोरंडम है इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग, कार्बोरंडम को हम लोग इसकी जो यानी कि हार्डेस्ट होता है किसके बाद, आफ्टर ग्रेफाइट, बिकॉज जो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है उसमें क्या है